जय श्री राम। और बात कीजिए, मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं, इवनिंग में थोड़ा बहुत स्टोरेज फुल होने की वजह से मतलब कैमरा काम नहीं कर रहा था फोन का, तो फिर चाय बोल रहा है एंड हर दिन में एक दो बार चाय बनाने का ड्यूटी मेरा रहता है। तो चलिए कैसा बनता है उसके बाद ब्लॉग्स को स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा बहुत चाय नाश्ता पानी हो चुका है, तो फिर आगे कल थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेवल हो गया था और कहाँ कहाँ फार्म एंड कुछ क्लिप मतलब नहीं रिकॉर्ड किया था, और किया भी था तो उसमें इंक्लूड नहीं किया था। काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब रेगुलर व्यूअर हैं, तो फिर उन्हें जो मेरा वीडियो जाता है तो उसमें काफ़ी दिनों मतलब जितना भी वीडियो जाता है तो उसमें बोलता रहता हूँ कि मतलब आज क्या प्लान बनता है ना बनता है, तो फिर अब ये सारे डिस्कशंस अब नहीं करूँगा क्योंकि वो तो होता नहीं है। आज जैसा डेली दिनचर्या ब्लॉग्स होता रहता है तो उसी में जो भी ब्लॉग्स है तो डेली ब्लॉग्स सिंपल ब्लॉग्स, तो फिर उसी तरह से देखने को मिलेगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा सिर्फ सड़कों पर जो कुछ भी फसल रहेगा तो यह सिर्फ गांव में देखने को मिलेगा, चाहे कहीं भी किसी भी गांव चले जाए। आज सुबह से ही लगभग लगभग हर एक तरफ डीजे ही डीजे बजता रहता है, जिसकी वजह से तो फिर चलिए थोड़ी सी इसी छोटी सी राइड पर से आता हूँ। एंड आज का जो भी ब्लॉग है तो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। एंड हाँ, उसे जाना तो साथ दो चार जगह था लेकिन जा रहा हूँ एक ही जगह, क्योंकि अगले हफ्ते में लगभग एग्जाम है, तो फिर उसका प्रिपरेशन तो थोड़ा बहुत जो है सो है। एंड आगे जो भी लगातार रिविजन होता है तो वह सही रहता है। एंड मिलते हैं, जस्ट देखते हैं थोड़ा आगे का कैसा रहता है जर्नी। क्या यह किचन परफेक्ट है या नहीं? जय श्री राम। चलिए अब आगे डीजे बज रहा है तो अभी साउंड नहीं आता होगा, तो फिर जो भी कन्वर्सेशन है हाँ उसे काफ़ी ब्लॉगर्स जितने भी हैं तो वह कमेंट या फिर पता नहीं कैसे कैसे वो स्क्रिप्ट लिख करके कहते हैं या फिर कैसे, तो ऐसा तो हमसे होता नहीं। कर दूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, बता जिन लोगों को नहीं पता है उनका भी मालूम नहीं चलेगा। तो फिर आए प्रोसेस कैसा है, अगर होगा तो कल परसों तो था लेकिन आज नहीं है, तो फिर चल रही जो भी है तो दिखाता हूँ। तो फिर वहाँ पर काफ़ी लोगों का थोड़ा बहुत समूह था एंड प्रिकॉशंस लगभग लगभग सभी के घरों पर था, इसलिए नहीं दिखाया। एंड अब यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन है तो मुझे यहीं पर आना है। चलिए, काफ़ी लोगों का भीड़ लगता है अप्रोक्स। अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, बस सिर्फ 1 घंटे, और यहाँ पर लगभग लगभग आप बारात के लिए लगभग लोग निकल रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो कि क्लियर हो चुका है, तो क्या इतनी स्पीड सही है? अब ये गाड़ी काफ़ी स्पीड में गई, आज के आगे तो उन्हें ट्रैफिक मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसी भी काम में। चलिए घर पहुँचने को हूँ, तो आगे का ब्लॉग सब कल कंटिन्यू करूँगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही मज़ेदार सफल ब्लॉग देखने के लिए। तो अभी आ चुका हूँ एंड हाँ, दोस्त के यहाँ सिर्फ गया हुआ था एंड जो कि काफ़ी दिनों के बाद मतलब सारे काफ़ी खुश सारे दोस्तों से फिर मुलाकात हुई, जिसकी तो फिर लाइट खत्म हो गया एंड अब घर पहुँच चुका हूँ। आज जिस समय आया था तो उस समय लाइट कटी हुई थी और उसके जस्ट 2-3 मिनट बाद फिर आ गई, तो फिर अब इसके बाद जो भी था तो 2-3 जगह, तो फिर उधर जाने का प्लान कैंसिल। एंड हाँ, जो भी है तो फिर अब जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है तो फिर उस पर ठीक है कंटिन्यू करता हूँ। और जो भी ब्लॉग्स अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सुबह।